मिथुन राशि वालों का आज का राशि फल यानी कि 2 अप्रैल 2020 का राशि फल। तो जय सिया राम दोस्तों, आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से आपके आज के दिन के बारे में। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे 2 अप्रैल के पंचांग के बारे में। आज तिथि है नवमी, नक्षत्र है पुनर्वसु, पक्ष है शुक्ल पक्ष और दिन है गुरुवार। आज के दिन सूर्य उदय हो रहा है 6:09 में और सूर्यास्त है 6:39 में। चंद्रोदय है 12:26 में और चंद्रास्त है अगले दिन 2:42 AM में। ऋतु है वसंत। आज का दिन काल है 12:30:19 का। महीना है चैत्र। आज आपके लिए शुभ समय है 11:59 से 12:49 तक। अशुभ काल शुरू होता है 10:19 से 11:09 तक। दोबारा है दोपहर के 3:19 से 4:09 तक और राहु काल शुरू होता है 1:58 से 3:32 तक। दिशाशूल है दक्षिण दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। अब जानेंगे आपके आज के दिन के बारे में, परंतु उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो के नीचे जय बजरंगबली अवश्य कमेंट कर दें और कमेंट करने के बाद इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें। इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए आपके आज के दिन का अनोखा टोटका यानी कि अचूक उपाय है, जिस उपाय को फॉलो करके अपने समय को आप अच्छा और बेहतर बना सकते हो। तो वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से और एकाग्रता के साथ सुनने का प्रयास करें। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज के दिन आपको अपने रहन सहन का, अपने खान पान का पूरा ध्यान देना होगा। जिस वस्तु से आपको एलर्जी हो, उस वस्तु को आज के दिन आप टच भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। वैसे अगर आपके धन संपत्ति की ओर देखा जाए तो पैसों के लिहाज से भी आपका समय सामान्य है, लेकिन आपको पैसों की दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास पैसे रहेंगे, जिस पैसे से अपना जीवन यापन आप कर पाओगे। वैसे अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। अगर आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति के साथ आपका नोक झोंक हो जाए तो उस व्यक्ति को आप समझाएं और अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर करने का प्रयास करें। इसके बाद है आपका कामकाज। दोस्तों, कामकाज के लिहाज से आपका समय सामान्य रहने वाला है। आज के दिन से अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो ऐसी गलती आप न करें, क्योंकि नए काम को शुरू करने के लिहाज से आज का दिन आपके पक्ष में नहीं है। इसके बाद है आपका प्रेम संबंध। तो प्रेम संबंध के लिहाज से आपका समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। तो दोस्तों, आज आपके लिए भाग्यशाली अंक है 7 और शुभ रंग है आपके लिए क्रीम और सफ़ेद। और अब जानते हैं आपके आज के दिन के उपाय के बारे में। उपाय ये है कि आज के दिन आप रोगियों की सेवा करें, सहायता करें। इस उपाय को अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हो तो आपका समय शानदार हो जाएगा और कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।